स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम एट अवर चैनल पीजी आरएमएस। अब हम स्टडी करने जा रहे हैं क्लास नाइन्थ मैथ्स एक्सरसाइज 4.1। क्वेश्चन 1, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। टेक द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक टू बी रुपीज एक्स एंड दैट ऑफ ए पेन टू बी रुपीज वाई। स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि एक नोटबुक की कॉस्ट एक पेन की कॉस्ट की ट्वाइस है, मीन्स दो गुनी है। आप टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन के द्वारा इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करें। आपने कॉस्ट ऑफ नोटबुक एक्स रुपीज रखना है और कॉस्ट ऑफ पेन वाई रुपीज रखना है। ओके, सॉल्व करते हैं। यहां आपको स्टेटमेंट दिया है कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस टू द कॉस्ट ऑफ पेन। इसका मीन्स क्या हुआ? इसका मीन्स हुआ कि कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज इक्वल टू टाइम्स कॉस्ट ऑफ पेन। यही हुआ ना? नोटबुक की कॉस्ट आपने क्या रखनी है? एक्स रुपीस। तो कॉस्ट ऑफ नोटबुक के प्लेस पर हम एक्स यूज करते हैं, इज इक्वल टू इंटू कॉस्ट ऑफ पेन क्या रखना है? वाई रुपीस इंटू वाई। आप जानते हो ना, यह मल्टीप्लाई सिंबल ऐड हो जाता है। इस तरह से ये हो गया एक्स इज इक्वल टू वाई। दैट्स ओके, डन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल 0 एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी इन ईच केस। स्टूडेंट, आपको यहां पर यह इक्वेशन दी गई है, आपने इनको ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है और ए बी एंड सी की वैल्यू भी इंडिकेट करनी है। देखो स्टूडेंट, यह फर्स्ट इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल 9.35 बार। आप बार का मीनिंग तो जानते हो ना, इट मीन्स ये बार बार आ रहा है। इसकी कंपेयर हम ax प्लस by प्लस c के साथ करें। तो देखो, ये है 2x प्लस 3y। अब देखो, ये 9.35 बार है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। इसे हम राइट से लेफ्ट में ले जाएंगे तो ये सिंबल नेगेटिव हो जाएगा। इस तरह से ये हो गया माइनस 9.35 बार। ओके, इस तरह से देखो, ए की वैल्यू क्या हुई? 2। बी की वैल्यू क्या हुई? 3। और सी की वैल्यू क्या हुई? माइनस 9.35 बार। ओके, आप यहां रिटर्न कर दें, ए इज इक्वल टू, बी इज इक्वल 3 एंड सी इज इक्वल 9.35 बार। ओके, सेम इसे कंपेयर करें। देखो, यह ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल 0। तो यहां एक्स को कितने बार यूज किया गया है? 1 टाइम। बी को माइनस 1/5 टाइम एंड सी को -10। ओके, यहां नोट कर दें, ए इज इक्वल 1, बी इज इक्वल माइनस 1/5 एंड सी इज इक्वल
माइनस 10। ओके, अब पार्ट थर्ड की बारी है। देखो यह ए एक्स हो गया, यह बी वाई, और 6 को इधर लाओगे तो माइनस होगा। इस तरह ए की वैल्यू हो गई -2, ए इज इक्वल -2, और बी की वैल्यू +3 है, बी इज इक्वल 3, और देखो 6 को इधर लाएंगे तो यह नेगेटिव हो जाएगा। इस तरह से सी इज इक्वल -6 हो गया। अब देखो यहां पर x की वैल्यू कितनी है, 1, तो यहां a इज इक्वल 1 नोट करें। देखो 3y राइट में है, इसे लेफ्ट में ले जाओगे तो यह -3y हो गया। यहां नोट करें b इज इक्वल -3, और यहां पर c है ही नहीं है तो c इज इक्वल 0 नोट कर दें। सेम इसकी बात है, सेम ये होना है। देखो x कितने टाइम है, 2 टाइम, a इज इक्वल 2 हो गया, -5y को राइट से लेफ्ट ले जाओगे तो ये माइनस से प्लस हो गया, नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया। इस तरह से b की वैल्यू हो गई +5 -5, और c यहां भी नहीं है तो c इज इक्वल हो गया 0। अब इसकी बारी है। देखो x कितना है, 3, तो a की वैल्यू हो गई 3, a इज इक्वल 3, और यहां पर y नहीं है ना तो b इज इक्वल 0 हो गया, y नहीं है ना तो b इज इक्वल 0 हो गया, और c की वैल्यू है 2, c इज इक्वल 2। अब इसकी बारी है। देखो यहां x नहीं है तो a इज इक्वल 0 हो गया, y कितने टाइम है, 1 टाइम, तो y इज इक्वल 1 हो गया, और ये -2 है, इट मींस c इज इक्वल -2। अब इसकी बारी है। देखो 2x को आप इधर लाओगे तो यह नेगेटिव हो गया। इस तरह से a की वैल्यू -2 हो गई, y इसमें है नहीं है तो b की वैल्यू 0 हो गई, और c 5 ही है। ओके, और आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं कि 2x को यहीं रहने दें तो a की वैल्यू 2 हो गई, b जो है 0 है, और देखो 5 को इधर लाओगे तो नेगेटिव हो गया। इस तरह से c की वैल्यू -5 हो गई, और आप 2x को इधर ले जाओगे तो a की वैल्यू -2 हो गई, b 0 है, और c 5 हो गया। दैट्स ओके। इस तरह से यह सम भी कंप्लीट होता है।